सो वेलकम ऑल ऑफ यू टू माई चैनल एस्पेक्ट विजन। तो कैसे हैं आप लोग? तो बिहार बीसीईसी का फॉर्म आज बीसीसी बोर्ड ने धमाका किया है। आज आपका पॉलिटेक्निक का फॉर्म हो गया, प्लस बीसीईसी का फॉर्म जारी कर दिया गया है। अब बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा कि बीसीसी क्या होता है, और ये बीसीसी जो मेरा यकीन मानिए आप 12th लेवल पे सरकारी कॉलेज पाने का सबसे बड़ा मौका है। इससे बड़ा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। इसमें जो है, जो आप अगर आपने 12th पीसीएम से किया हुआ या कर रहे हैं, आपने पीसीबी से किया हुआ है या पीसीएमबी से किया हुआ या सीबीए से किया हुआ है, सभी के लिए इसमें सीट्स रहते हैं, और बहुत ज़्यादा सीट्स हैं। इसमें क्या क्या रहता है? इसमें आपका रहता है एग्रीकल्चर रहता है, नर्सिंग रहता है, बी फार्मा रहता है, इंजीनियरिंग रहता है, इसके बाद आपका डेयरी टेक्नोलॉजी रहता है, फिशरीज रहता है, हॉर्टिकल्चर रहता है, एंड मेनी मोर ब्रांचेज। फिर आपका टेक्नीसियन डिग्री रहता है, जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, मतलब बहुत सारे कॉलेज पूरे बिहार में लगभग 40 प्लस कॉलेज हैं इसके। और एग्रीकल्चर में, बिहार एग्रीकल्चर आप लोग जान रहे होंगे, जिसमें सबौर कॉलेज आपका टॉप पे आता है, और बहुत सारे कॉलेज हैं बिहार में, उन सब में जो एडमिशन होते हैं वो इसके थ्रू होते हैं। प्लस जितने भी नर्सिंग कॉलेज हैं पूरे ऑल ओवर बिहार में, उसमें एडमिशन बीसीसी के तरफ से होता है। जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसमें आपका बीसीसी से होता है, फिर यूजीएससी से होता है, बी फार्मा हो गया उसमें बीसीसी से होगा। ये बीसीसी बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम है, लेकिन होता क्या है, बच्चों को इसका नॉलेज ही नहीं रहता है, क्योंकि कोई यूट्यूब पे इसके बारे में नहीं बताता है। लोग पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल के बारे में तो बता देते हैं, बट बीसीसी का नॉलेज बहुत कम लोगों के पास है, और मेरे पास पूरा नॉलेज है बीसीसी का। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, एक एक स्टेप पे आपके साथ खड़ा हूं। बस आपसे एक चीज एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बीसीसी रिलेटेड सारा अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा, और दूसरी बात, बीसीसी का एग्जाम फॉर्म डेट आ गया। सबसे पहले मैं आपको यह दिखा दूं कि कब है आपका एग्जाम फॉर्म डेट, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे आपका किस चीज पे, आपका क्या होता है बीसीसी का एग्जामिनेशन पैटर्न कैसा है, कितना कट ऑफ जाता है, कितना रैंक लाना पड़ेगा जो आपको कॉलेज मिलेगा, सब चीज पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले ये साइट आपका बीसीसी का ऑफिशियल साइट है, ठीक है, बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड, इसका आपका ऑफिशियल साइट है। जब साइट आप खोलिएगा तो आपको साइट में दिख जाएगा, यहां पे आप देख सकते हैं, आप लोग यहां पे साइट में देख सकते हैं आप लोग डिटेल्स रिगार्डिंग फिलिप अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ बीसीईसी 2022, ठीक है। तो आप इस पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने बीसीईसी का नोटिस आ जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए क्या क्या है, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग इसमें आपका एग्रीकल्चर रहता है, नर्सिंग, बहुत सारे ग्रुप हैं, बहुत सारे ग्रुप हैं। अब इसका डेट मैं बता दूं आपको, इसका जो डेट है एग्जामिनेशन फॉर्म भराने का, फॉर्म जो आप लोग का भराएगा आपका, वो 17 तारीख से स्टार्ट होगा। 17 मई से आपका एग्जाम फॉर्म भराना, एप्लीकेशन फॉर्म भराना चालू होगा। कब तक चलेगा इसका लास्ट डेट जो है वो 6 जून तक है, 6 जून याद रखिएगा, 17 से 6 जून आपका डेट दिया गया है बीसीसी का फॉर्म भरने का। आपको 8 तारीख तक आप पेमेंट कर सकते हैं, लास्ट डेट आपका 9 है, और एडिटिंग आप 12 तारीख तक कर सकते हैं। बात रहेगी इसका जो है एडमिट कार्ड कब आएगा और एग्जाम कब होगा। एग्जाम आपका जुलाई मंथ में हो जाएगा आपका इसका 100% एग्जाम, और एडमिट कार्ड लास्ट मंथ ऑफ जून में आपका आ जाएगा। तो समझ में आया आप लोग को सबसे पहले कि फॉर्म कब कब भरने का डेट है। 17 तारीख से लेकर 6 तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं बिहार बीसीईसी। बहुत लोग को नॉलेज नहीं है इसके बारे में, बट बिहार के सभी कैंडिडेट इसमें भर सकते हैं। बात करते हैं हम लोग थोड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का, कि भाई इसमें कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन ये फॉर्म भर सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी जो है इसका बीसीईसी का, उसमें सिंपल सा है कि अगर आपने 12th पास किए हुए हैं या फिर अपियरिंग है, क्योंकि आप लोग को मालूम होगा कि अभी आप लोग अपियरिंग होंगे सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे, तो जो सीबीएसई से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, डजेंट मैटर, अगर आप 12th पास कर चुके हैं या फिर अपियरिंग है साइंस ग्रुप से, चाहे आपका पीसीएम हो, पीसीबी हो, पीसीबीए हो, या फिर आपका सीबीए हो, ठीक है, कोई भी ग्रुप हो, आप एलिजिबल हैं 12th लेवल पे ये फॉर्म भरने के लिए। अब बात आती है इसका एग्जामिनेशन पैटर्न कैसे होता है। तो जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स हैं उनको ऑब्वियसली बात, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूछा जाएगा, जो बायोलॉजी ग्रुप से हैं उसको बायोलॉजी ग्रुप का पूछा जाएगा, जो एग्रीकल्चर ग्रुप से हैं उनसे एग्रीकल्चर का क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरी बात, इसमें है क्या क्या, इसमें पहला आता है आपका एग्रीकल्चर, जो कि जिसका डिमांड बहुत ज़्यादा है एग्रीकल्चर का, आप लोगों को मालूम होगा इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है, और बिहार में बहुत सारे कॉलेज हैं एग्रीकल्चर के, गवर्नमेंट, ये सारे आपके गवर्नमेंट कॉलेज है। तो आपके पास मौका है कि आप 12th लेवल पे गवर्नमेंट कॉलेज ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बीसीईसी। तो सब कोई फॉर्म भरे, कोई भी फॉर्म नहीं
नहीं छोड़िएगा। आपका भले 1000 रुपया लगेगा लेकिन फॉर्म सब कोई जरूर भरिएगा, फॉर्म कोई भी नहीं छोड़िएगा, ठीक है। दूसरा आता है हमारा नर्सिंग, ठीक है। तो जितने भी बायोलॉजी कैंडिडेट है, इसमें आपका बायोलॉजी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, इसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और बायोलॉजी दोनों बच्चे एलिजिबल होते हैं। नर्सिंग में आपको बिहार के जितने भी टॉप कॉलेज हैं उसमें नर्सिंग मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा बी फार्मा नेक्स्ट है। बी फार्मा में भी मैथ वाले और बायोलॉजी वाले दोनों एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट है इंजीनियरिंग में मैथ वाले एलिजिबल होते हैं। फिर आया आपका फिशरीज है, डेयरी टेक्नोलॉजी है, इन सभी चीज़ों में आपका पीसीबी पीसीएम दोनों एलिजिबल होते हैं, ठीक है। पीसीबी और आपका पीसीएम दोनों एलिजिबल हैं इस कंडीशन में। तो समझ में आपको कितने कोर्सेस हैं, पूरा बिहार में लगभग 40 प्लस कॉलेजेस हैं जिसका एडमिशन बीसीसी के थ्रू होता है, ठीक है। और अगर आपको लेना है एडमिशन बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज में, जो कि बेसिकली सबका डिमांड रहता है कि हम एग्रीकल्चर लेंगे, जो मेडिकल फील्ड से होते हैं उनका नर्सिंग का भी बहुत ज़्यादा हाई डिमांड रहता है, बी फार्मा का डिमांड रहता है, आप लोग मार होता है लास्ट में। सीट्स पता है कितने हैं, सीट्स ऑल ओवर बिहार में 1000 सीट्स हैं, बच्चे बैठते हैं 50,000-60,000 बच्चे बैठते हैं, तो इन 50,000-60,000 में आपको निकलना है। बात रही तैयारी कैसे करेंगे, तैयारी के लिए आप क्वेश्चन बैंक लीजिए, बाकी आपने 12th पढ़ा हुआ है और अब लग जाइए, एक मंथ का आपके पास टाइम है, एक मंथ आप जितना पढ़ोगे उतना अच्छा। अब देखिए उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आएगा आपका रिजल्ट, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको करना पड़ेगा चैनल सब्सक्राइब, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट से लेकर काउंसलिंग से रिलेटेड सारा अपडेट सबसे पहले पाने के लिए एस्पेक्ट विजन को सब्सक्राइब करें। रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में आपका आएगा रैंक कार्ड, जैसे जेईई मेंस नीट का रैंक आता है ना, उसी तरह इसका रैंक कार्ड आएगा, रैंक में आपका रैंक दिया रहेगा। उसके बाद आपका काउंसलिंग होगा, काउंसलिंग में आप कॉलेज सेलेक्ट कीजिएगा, उन कॉलेज में से कोई आपको कॉलेज मिलेगा। इसमें मॉप अप राउंड तक होता है, मगर आपका सीट सारा फुल हो गया तीनों राउंड, दो राउंड में, ठीक है, फिर भी आपको एडमिशन के चांसेस रहते हैं थ्रू मॉप अप राउंड। तो इसीलिए कोई भी चांस मत गवाइए, कोई भी फॉर्म नहीं छोड़िएगा, सब कोई फॉर्म भरना है सबको, कोई भी फॉर्म अगर छोड़ दिए तो वो लाइफ का आपका सबसे बड़ा मिस्टेक हो सकता है। समझ में आया आप लोग का। मैं एक बार फी की बात कर लेता हूं कि आपका फी कितना होता है इसका, तो मैं फी आपको बता दूं यहां पे। देखिए जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से आपका 12th किए हुए हैं, उनका फ़ी 1000 होता है जनरल के लिए, और अगर आप एससी हैं या एसटी हैं या डीक्यू हैं तो आपका फ़ी 500 होगा, ठीक है। जो बच्चे आपका सीबीए ग्रुप से होते हैं उनका भी लगभग यही फ़ी होता है, यानी कि लगभग आपका 1000 फ़ी है। फ़ी के लिए कोई भी मत सोचिएगा, आप एडमिशन लीजिएगा तो आपका बिहार क्रेडिट कार्ड योजना चलता है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, उसके थ्रू भी आपका एडमिशन हो जाएगा, यानी कि आपको पढ़ने के लिए एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। और ऐसे भी जो है आपका जो है फ़ी बहुत कम होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं पूरा बिहार में उसका फ़ी बहुत कम होता है। एक सेमेस्टर का फ़ी आपका जो है 500-600-1000 तक होता है, यानी कि अगर आप 3 साल पढ़ रहे हैं तो आपका 6 सेमेस्टर होगा, 500 × 6 कर दीजिए, इसमें आप अपने डिग्री ले लीजिएगा। और इन सभी कॉलेज से डिग्री लेना मामूली बात नहीं है, क्योंकि 50,000 बच्चा भर रहा है तो 1000 ही सीट है। तो अब कंप्लीटली आपके ऊपर है कि कैसे आप तैयारी करते हैं, और नॉलेज तो आपका हो गया होगा इस फॉर्म को, एलिजिबल सारे कैंडिडेट हैं, आप बिहार के जितने भी बच्चे हैं जो 12th किए हुए हैं सारे एलिजिबल हैं, सारे कोई फॉर्म भर सकते हैं बिना कोई बेझिझक के। आप फॉर्म भरिए, फॉर्म कोई भी नहीं छोड़िए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फॉर्म नहीं छोड़िएगा, फॉर्म छोड़िएगा तो आपको दिक्कत होगा। सो सारा अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और नीचे ग्रुप का एक लिंक दिया होगा, उस ग्रुप में आप जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे।